नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं पुरा महादेव, जो कि आपने नाम सुना होगा पुरा महादेव का। यहाँ पर भगवान परशुराम जी रहते थे और यहाँ पर उनकी कुटी थी। तो आज हम भगवान परशुराम जी का जो भव्य मंदिर है वो दिखाने जा रहे हैं, और अभी इसका निर्माण चल रहा है। तो किस किस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये मंदिर और इस मंदिर के चारों तरफ क्या क्या है वो सब चीजें दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों ये है भगवान परशुराम का मंदिर। जैसा कि आप शिखर देख रहे होंगे, वो शिखर है भगवान परशुराम के मंदिर का, और ये अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, ठीक है। और इधर ये चारों तरफ जो है पार्क है, और ये हम काफी ऊंचाई पर है। ये आप उधर देख रहे होंगे, ये उधर रोड है, और सड़क से ये खड़ंजा लगा हुआ है जो कि अभी काम चल रहा है इसका भी। और ये जो है भगवान परशुराम के मंदिर में ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ पर धर्मशाला है ये। अगर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और लेट नाइट तक आ पाते हैं यहाँ पर, तो वो स्टे कर सकते हैं। और उधर जो है भगवान परशुराम की कुटी है, अभी मैं आपको कुटी में भी लेके चलूँगा। कुटी में लेके जाने से पहले ये आप देख रहे हो वो कुटी है, वहाँ पर कुटी थी भगवान परशुराम की। तो अभी मैं भगवान परशुराम की कुटी पर ले जाने से पहले आपको पहले इस मंदिर के पूरे दर्शन करा देता हूँ। तो चलिए कराते हैं आपको पूरे दर्शन। तो जुड़े रहो हमारे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों अभी पुजारी जी से हम पूछते हैं इस मंदिर की क्या खास बात है और इस मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा है। जय श्री राम। इस मंदिर के निर्माण में कितना टाइम लगा है? इस मंदिर के निर्माण में जो इसकी आधारशिला रखी थी वो 2013 24 जनवरी 2013 में रखी गई जी। वैसे इस यहाँ जीर्ण उद्धार कार्य 2005 से चला हुआ है जी, और 2013 से तो बरकरार आसपास के सभी गांवों में, करीब 80-85 गांवों में घर घर से 2 ईंट 30 रुपए की मांग से हर समाज के द्वारा जी सहयोग कर इसमें नीम के नीम रखी गई जी। यानी 9 साल हो गए इसको निर्माण चलते हुए। हाँ, करीब 9 साल हो गए। जैसा सभी पैसा इकट्ठा हुआ काम करा दिया जी। तो भाई देख, काम बंद भी रह जा बिना अमाउंट के जी, जी। एक दो महीने ही बंद रहा, 4 महीने ही बंद रह जा जी, जी। जैसा फिर पैसा इकट्ठा फिर काम शुरू। यानी सभी लोगों के सहयोग से ये काम चल रहा है, मतलब समाज के हर समाज द्वारा, हर समाज द्वारा यथाशक्ति सहयोग के द्वारा निर्माण कार्य चला हुआ है। सरकार द्वारा भी अनुदान मिला है जी। केंद्र सरकार से भी कुछ सौंदर्यकरण का कार्य हुआ है, यूपी सरकार से भी सौंदर्यकरण का कार्य हुआ है। तो ये 81 लाख रुपये से केंद्र सरकार से मतलब पास होकर काम हुआ, 50 लाख रुपये यूपी सरकार द्वारा प्राप्त हुआ काम हुआ है। और इस मंदिर की खास बात क्या है जी? यह स्थान जो सिद्धपीठ है, भगवान परशुराम तपोभूमि है जी। मगर यह है वेदों का मानना है जी। आने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सुनते आ रहे हैं कि यह तपोभूमि है, भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है जी। यहाँ पर भगवान परशुराम जी तपस्या करते थे और उनकी कुटी थी, उनकी कुटी थी जी। जो आज माता रेणुका का अवशेष, माता रेणुका का नियम दरोज घड़े बना कर जो नदी हिंडन नदी है उससे पास से जल लेकर आना, और उस घड़े का अवशेष आज भी यहाँ प्राप्त होते हैं जी। सुना है हमने भी यहाँ पर कच्चे घड़े का अवशेष प्राप्त होते हैं, घड़े अवशेष भी आज। ये बहुत दिव्य है, मतलब अभी कम नज़र आते हैं जी, पर बहुत वास्तव में अपने दिव्य दिव्य अवशेष हैं वे जी। उनके दर्शन करना भी माता रेणु का ही दर्शन होना है बस जी। बहुत दिव्य भूमि, बहुत तपो भूमि है। आप जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर तपो भूमि, जब आप आओगे तो आप स्वयं अनुभव करोगे कि वास्तव में कितना दिव्य खेड़ा है। भगवान ने चाहिए तो इसका टारगेट अभी शुरू है कि मंदिर का ढांचा तैयार हो गया, फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो करीब 5-4 महीने के अंदर 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 का गर्भगृह का काम हो जाएगा, फिर मूर्ति स्थापना कर दी जाएगी। मतलब महा जो फागुन में शिवरात्रि आती है उस समय भगवान की कृपा से मूर्ति स्थापना हो जाएगी जी। जैसे कि अभी सावन की शिवरात्रि है तो तब तक तो काम चलता ही रहेगा, लेकिन फागुन की शिवरात्रि तक इसका काम पूरा हो जाएगा, मूर्ति स्थापना का जी, मूर्ति स्थापना का। बाकी शेष कार्य तक चलता रहेगा जी, चलता रहेगा, क्योंकि काफी बड़ा भव्य मंदिर है। तो आप सबसे भी जो देख रहे हैं उन्हें सबसे प्रार्थना है कि इस भव्य निर्माण में जिससे जैसे भी सहयोग हो सके, आप कोई भी काम करा सकते हैं, मूर्ति में भी अपना सहयोग कराने की कोशिश करें। मूर्ति शिव परिवार की रहेगी, परशुराम जी रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि परिक्रमा मार्ग में 24 अवतारों की मूर्ति रहेंगी। मतलब कि अपने आप में बहुत दिव्य स्थान बनने जा रहा है जी। यह भगवान परशुराम जी का जिस टाइम अपने आप में तैयार होकर आएगा, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में एक होगा जी।
परशुराम जी के साथ इतना विशाल मंदिर अभी कहीं है नहीं जी। 111 फुट हाइट है मंदिर की, बहुत भव्य क्षेत्रफल है इसका, बहुत अच्छे तरीके से सुनते गणेश का। जय परशुराम। तो जैसे कि दोस्तों पुजारी जी ने बताया है, पंडित जी ने बताया है, तो आप सभी से मेरी भी यही विनती है कि जिससे जो सहयोग बने वो इस मंदिर में कर सकते हैं, और जो मूर्ति स्थापना होगी मूर्ति स्थापना में भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो स्ट्रक्चर में मतलब फिनिशिंग में भी काफ़ी काम बचा हुआ है, तो उसके लिए भी सहयोग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको अंदर से गर्भगृह कितना गहरा और कितना ऊँचा होगा वो दिखाते हैं। दोस्तों ये गर्भगृह होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर अभी इसमें मतलब सेटरिंग का काम चालू है, तो यहाँ यह गर्भगृह होगा, और मेरे विचार से यहाँ पर बीच में जो है शिवलिंग की स्थापना होगी, मूर्ति की स्थापना होगी इधर। तो आप देख रहे होंगे कि कितना काम अभी बचा हुआ है अवशेष। तो इसी तरह से अभी हम आपको इसके बाहर का बैक साइड का और अपोजिट साइड का दोनों का दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये इधर खाली जगह है जैसे कि पार्किंग एरिया है, और इधर जो है जंगली जंगल है। तो यहाँ पर भगवान परशुराम जी रहते थे, कुटी थी उनकी, तो उनकी कुटी के दर्शन अभी हम आपको कराने जा रहे हैं। तो चलिए भगवान परशुराम की कुटी के दर्शन कर लेते हैं जल्दी से, नहीं तो आप बोलोगे कि दर्शन करा नहीं रहे हैं। हमने बताया था कि हम भगवान परशुराम जी की कुटी दिखाएंगे, तो ये भगवान परशुराम जी की कुटी है जो हम आपको लेके चल रहे हैं। ये यहाँ पर भगवान परशुराम जी की कुटी थी जो कि आज भी इसी तरह से स्थापित है यहाँ पर, और ये महर्षि भृगु जी है, पत्नी रुयाति है, और ऋषि ऋचिक जी है, और पत्नी सत्यवती है उनकी, और ये महादेव जी की मूर्ति है। तो ये है भगवान परशुराम जी की मूर्ति, यहीं पर भगवान परशुराम जी कुटिया में रहते थे। ये आप देख रहे होंगे ये परशु फरसा है उनका, जो कि भगवान शिव ने दिया था प्रसन्न होकर। तो दोस्तों आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको कामधेनु गाय के दर्शन कराता हूँ, जो कि जिनका दूध अमृत के बराबर था। ये देखो ये कामधेनु गाय है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है माता कामधेनु गाय, ये आप देख रहे होंगे। तो इनका जो है दूध बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अमृत समान था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।